फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया है। बहुत ही अहम मुकाबला और आज का दिन, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि आज सेमीफाइनल मुकाबलों वाला दिन है, आज पांचवा दिन है इस वुमेन यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। कल के दिन 12 फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, 12 वेट ग्रुप में यूथ वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। जिलों का शहर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां के तात्या टोपी स्टेडियम भोपाल में जो बॉक्सिंग अरीना बनाया गया है, ये नवनिर्मित बॉक्सिंग अरीना है जहां पर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। अंतिम बातें समझाई रेफरी मालिनी सिंह ने और इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई। पहला सेमीफाइनल मैच मिनिमम वेट कैटेगरी 45 से 48 का, भावना शर्मा रेड में और अनु ब्लू में। अनु ने शुरुआत की है अटैक के साथ, लेफ्ट हैंडेड है अनु। देखना है कौन इस मुकाबले को जीतने में सफल हो पाता है। दोनों ही बहुत मजबूत बॉक्सर हैं, पिछले मुकाबले बहुत अच्छी तरह से जीते हैं इन दोनों ने। आज दोनों प्रयास करेंगे कि फाइनल मुकाबले में पहुंचे इस मुकाबले को जीतने के साथ। 3-3 मिनट के 3 राउंड, अच्छे गार्ड के साथ खेलती हुई भावना शर्मा हरियाणा की। पिछली नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने 8 स्वर्ण पदक जीते थे 12 में से, और 3 रजत पदक उन्हें मिले थे। कुल मिला के 11 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे हरियाणा के, और इस वर्ष देखना है कि कितने खिलाड़ी उनके फाइनल में पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक वर्ष का समय हुआ है जिसमें बहुत से जो अन्य राज्य हैं उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। उनमें से एक है झारखंड, जिसकी अनु पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है मिनिमम वेट कैटेगरी में आज के दिन का। बराबरी से खेलते हुए दोनों ही बॉक्सर बहुत ही संभल कर, और पहला राउंड है तो एक दूसरे को देखने का प्रयास कि कौन किस तरह से खेलता है। इस बार थोड़ा सा अटैक पर गई भावना शर्मा, अनु ने बहुत जल्दी अपने आप को उस अटैक से बचाया। तीन राउंड के मुकाबले का ये पहला राउंड, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भावना शर्मा का, अपने आप को बचाया अनु ने और फिर यहाँ एक अटैक बनाया, पावरफुल पंचेस, भावना ने भी अपने आप को बचाया। और इस बार भावना के पंच बहुत बढ़िया, रेफ्ट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, 3 पंच उन्होंने इनके बाद एक भावना ने अनु के ऊपर छोड़े थे। यहाँ अनु उसका जवाब देती हुई, अच्छी तैयारी के साथ दोनों ही बॉक्सर्स इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं अपने अपने राज्य के लिए। एक बार फिर अटैक करती हुई झारखंड की अनु, राइट लेफ्ट हैंड का पंच चेहरे पर जाता हुआ भावना शर्मा के, जजेस को कितना प्रभावित कर पाएंगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में यूनानिमस डिसीजन से जीत के आई हैं भावना और अनु। पहले राउंड की समाप्ति के बाद दोनों ही खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो आप देख पाएंगे इस रिप्ले के माध्यम से, लेकिन ये जरूर कहना होगा दोनों ने ही बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत ही समझदारी के साथ शुरुआत की है, बहुत आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की है इस पहले राउंड की। सिक्किम कोच मैनेजर सेकंड साउंड के बाद अब दूसरे राउंड की शुरुआत होती हुई।
रेड कलर में हरियाणा की भावना शर्मा। उनके सामने ब्लू कॉर्नर में अनु, इस बार लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन भावना शर्मा के, अब उसका जवाब देती हुई झारखंड की अनु ब्लू कॉर्नर में, बार फिर लेफ्ट राइट, इस बार अटैक था अनु का, यहाँ अच्छा डिफेंस अनु के द्वारा देख लिया था उन्होंने। भावना थोड़ा अटैक करने आ रही तो थोड़ा सा पीछे गई और इस बार रिंग के जो कोने में रूप के पास जाकर अटैक बनाया था अनु ने, एक दबाव बनाने का प्रयास था उनका भावना शर्मा के ऊपर। मिनिमम वेट कैटेगरी का ये सेमीफाइनल मुकाबला जो आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन सेमीफाइनल मुकाबले वाला दिन रहेगा। दो रिंग में मुकाबले खेले जा रहे हैं, इस समय आप रिंग नंबर एक के मुकाबले देख रहे हैं और पहला मुकाबला आज के दिन का मिनिमम वेट कैटेगरी 45 से 48 किलोग्राम का भावना शर्मा हरियाणा वर्सेस अनु झारखंड के बीच खेला जा रहा है। बहुत अच्छा गार्ड अनु के द्वारा, इस बार अटैक भावना शर्मा का सही जगह पर पंच पहुंचते हुए और अब थोड़ा सा और गर्मी आती हुई इस बाउट में, दोनों बॉक्सर्स के खेल से वो परिलक्षित होता हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये परिलक्षित होता हुआ कि अब वे अच्छी तरह से वार्म अप हो चुके हैं, एक दूसरे के खेल को पहले राउंड उन्होंने देख लिया है। राइट लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ अटैक पर भावना शर्मा, उतना ही अच्छा डिफेंस अनु ने किया, बहुत जल्दी अपने आप को पीछे ले गई, उनकी रीच से दूर गई। ओपनिंग ढूंढती हुई अनु, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन पंचेस चेहरे पर लगते हुए अनु ने अटैक किया, वहां काउंटर अटैक भावना का था। दूसरा राउंड पूरा हुआ, मिनिमम वेट कैटेगरी 45 to 48 में पहला सेमीफाइनल मैच, पहले सेमीफाइनल की बाउट आज पांचवें दिन की भावना शर्मा हरियाणा वर्सेस अनु झारखंड के बीच खेली जा रही है और बहुत नज़दीकी अंतर से ये मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छे अटैक और काउंटर अटैक दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा, दोनों ही बॉक्सर्स के द्वारा। पहले दो राउंड पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा और अंतिम राउंड। रिंग नंबर एक है जहां पर सेमीफाइनल मुकाबले प्रारंभ हो चुके हैं, रिंग नंबर दो में भी सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली मुकाबले चलते हैं। शुरुआत होती है मिनिमम वेट कैटेगरी से, उसके बाद जैसे जैसे वेट कैटेगरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाते हैं। तीसरा और अंतिम राउंड भावना शर्मा और अनु के बीच, बहुत ही संभल कर खेलते हुए बहुत ही उच्च दर्जे की बॉक्सिंग नजर आती हुई और दोनों बराबरी के मुक्केबाज, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं तो पिछले मुकाबलों का जो अनुभव है वो भी उनके साथ जुड़ा है, जीत दर्ज करके आ रहे हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ा है। भावना ने सेमी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ई थोईचा देवी को पराजित किया था 5-0 से और अनु ने जीत हासिल की थी हिमाचल प्रदेश की प्रिया के ऊपर, उन्होंने भी यूनानिमस डिसीजन यानी पांचों ही जजेस को प्रभावित किया था और 5-0 से उनके नाम पर जीत आई थी। इस बार अटैक की कोशिश अनु के द्वारा, लेकिन भावना ने अपने आप को पीछे किया, बहुत सही अनुमान उनका, थोड़ा सा अतिरिक्त आक्रमण अनु के खेल में दिखाई देता हुआ। ब्लू कलर में है अनु,
जो झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है इस बार, लेफ्ट पंच चेहरे पर लैंड करता हुआ भावना शर्मा के, और एक और फिर से लेफ्ट हैंड का पंच जो उनका स्ट्रॉन्ग हैंड है अनु का, उससे पंच लगाती हुई, और यहाँ काउंटर 1-2-1 की कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ी थी भावना शर्मा। बहुत अच्छा खेल, अपने पंच को रोका नहीं उन्होंने, 1-2 के बाद 3-4-5-6 लगातार 6 पंचेस, जिसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत आत्मविश्वास चाहिए आपको, क्योंकि आपका विपक्षी यदि उसी में काउंटर अटैक कर दे तब आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत अच्छा डिफेंस अनु का, भावना के पंच से अपने आप को बचाया। रिंग में जगह जगह घूमती हुई भावना शर्मा, खेलने का अपना ही अंदाज, बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट इस पहली बाउट में, पहला सेमीफाइनल मुकाबला है मिनिमम वेट कैटेगरी का जो रिंग नंबर 1 में खेला जा रहा है। रिंग नंबर 2 में भी सेमीफाइनल मुकाबले प्रारंभ हो चुके हैं और वहां पर भी मिनिमम वेट कैटेगरी 45-48 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ हुआ है। लेफ्ट हैंड का पंच बिल्कुल चेहरे पर भावना शर्मा के, बहुत अच्छा प्रदर्शन झारखंड के अनु का, बहुत ताकतवर पंच लेफ्ट हैंड का, भावना उसे समझ नहीं पाई थी, थोड़ा सा पीछे जरूर गई थी लेकिन रीच को बढ़ाया अनु ने, थोड़ा सा हाइट में भावना से कम है लेकिन हौसले उनके उतने ही ज्यादा बुलंद, उतने ही आत्मविश्वास के साथ खेलती हैं। और तीसरा और अंतिम राउंड पूरा हुआ, अब देखना है कि क्या निर्णय आता है भावना शर्मा हरियाणा और अनु के बीच जो झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस मिनिमम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबले। जज 3 दुर्गा थापा छेत्री फ्रॉम उत्तराखंड, जज 4 आनंद फ्रॉम आसाम, जज 5 अशोक रावत फ्रॉम छत्तीसगढ़। निर्णय का इंतजार, छठी यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है तात्या टोपे स्टेडियम के इस बॉक्सिंग अरीना में, जो नया बॉक्सिंग अरीना बनाया गया है मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों के लिए, और भावना शर्मा रेड को विजेता घोषित किया गया है स्प्लिट डिसीजन के माध्यम से, और हरियाणा के लिए फाइनल मुकाबला